हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये एनवायरनमेंट का वीडियो है। क्लासरूम की तादाद में पहली बार तो आपका स्वागत है, और दूसरा ये एनवायरनमेंट का वीडियो है, पार्ट 7 है इसका। इसके 6 पार्ट आपको अपने चैनल क्लासरूम की तादाद में मिल जाएंगे। और ये जो एनवायरनमेंट का मिसलेनियस वीडियो है, एनवायरनमेंट के मिसलेनियस वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, 10 पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए हैं। और ये UPPCS, UPTET, PET का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, UPSI, लेखपाल, SSC, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, तो आशा है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ये। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा जरूर करें, और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि मिसलेनियस एनवायरनमेंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया, UPPCS के लिए, UPTET के लिए, PET के लिए, SSC, SuperTET, UPSI, लेखपाल, वीडियो, ये सभी परीक्षाओं के लिए बेसिकली वन लाइनर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों इसमें पहला जो पॉइंट कह रहा है कि जिस जलीय पौधे को टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल का आतंक कहते हैं, तो ये जलकुंभी है, वाटर हाइकनेथ कहलाती है। ठीक है, तो वाटर हाइकनेथ यानी कि जलकुंभी जो होती है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाली, तालाब को बहुत जल्दी या किसी भी जल स्रोत को बहुत जल्दी पाट देने वाली, उसको कवर करने वाला पौधा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बंगाल का आतंक कहते हैं, बंगाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका विस्तार हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल, एनाबीना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, बिजेरेनकिया, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम, ये सब जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही चीज़ है, ठीक, याद रखिएगा। और ये एनाबीना और नॉस्टॉक इसके एग्जाम्पल हैं। इसके साथ वगैरह ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दाल वाले पौधों या और भी बहुत सारे पौधे हैं उनकी जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों के प्रदूषण जांच में जिनकी मात्रा मापी जाती है, तो शीशा और कार्बन के कण होते हैं, तो पेट्रोल के साथ में जो शीशा और कार्बन के कण आते हैं वही मेजरमेंट किए जाते हैं, वही मेजर किए जाते हैं सर्विस स्टेशन में गाड़ियों के लिए, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फुफ्फुस धूलमियता यानी कि निमोनो क्वानेसिस जो नाम की जो बीमारी होती है, नामक बीमारी रोग, जिस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को हो जाता है, तो कोयला क्षेत्र में, कोयला खनन में जो लोग काम करते हैं उन श्रमिकों को ये धूलमयता यानी कि निमोनो क्वानेसिस नाम की बीमारी हो जाती है, क्वानेसिस नाम की बीमारी हो जाती है और उनके फेफड़े बेकार होने लगते हैं, ठीक, याद रखिएगा, निमोनो क्वानेसिस है, ठीक है, धूलमयता नाम की बीमारी है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जो 1986 में स्थापित हुआ था वो कौन सा था, नीलगिरी था, नीलगिरी जो भारत का पहला बायो रिजर्व था, ठीक है, बायो रिजर्व था, वो आरक्षित बनाया गया था 1986 में नीलगिरी हिल्स में, ठीक, याद रखिएगा, शांत घाटी यहीं पर है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारत की पहली मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 1980 तथा भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क यानी कि समुद्री, मरीन का मतलब होता है समुद्री, नेशनल पार्क जो 1982 में स्थापित हुआ था, कच्छ की खाड़ी थी, गल्फ ऑफ कच्छ थी, ठीक, याद रखिएगा। तो यही पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, और यही पहला मरीन नेशनल पार्क था, कच्छ की खाड़ी। अगला पॉइंट देखिए, विश्व का पहला नेशनल पार्क 1872 में कहाँ स्थापित हुआ था, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है, यूएसए में स्थापित हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, मृत जीवी खाद्य श्रृंखला या मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला कहलाती है अपरद या डेट्रिस या डेड खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के नाम से जानी जाती है। तो जो मृत जीवों सामान्यतः बैक्टीरिया और कवक से प्रारंभ होती है, ठीक है, ऐसी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, अपरद या डेट्रिस खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है ग्रीन ओलंपियाड, ठीक, याद रखिएगा, ये ग्रीन ओलंपियाड है जो पर्यावरण जागरूकता से संबंधित एक प्रतियोगी परीक्षा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आशा है कि ये जो जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं अभी सब आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।